Hello everyone, hi. Yes, so I see everybody has a common question to ask me. Hello everyone, hi everyone. Anubhav, Rohan, Ryder, Brahman, and Kirti. So everybody has a common question. पहले गुस्सा मत हो, पहले हेलो बोल दो. कम ऑन एवरीवन, पहले थोड़ा सा हेलो बोल दो, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं और बताते हैं व्हाई डिड आई स्टार्ट विद दिस सेक्शन. ठीक है, एवरीबडी देयर? हाय देवायन, यस वेलकम टू द क्लास. सो सबका जो पहले डाउट है, पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ. नाउ ऑल ऑफ यू नो कि मैं पढ़ा रही थी सोशलिज्म वाला चैप्टर, राइट? यस, दिस इज योर डाउट कि आई वॉज टीचिंग द सोशलिज्म वाला चैप्टर. ठीक है, बट अभी एज क्योंकि देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके मैं क्लासेस लेती हूँ, है ना. सो आई टेक ऑल्सो क्लासेज, ईयरली वाला क्लासेज ऑल्सो आई टेक, जो तुम्हारा बेसिकली यूट्यूब से छोड़ के भी आई टेक अदर क्लासेस. तो वहां से भी मुझे बच्चों ने बोला कि स्कूल में ये जो नाजिज्म वाला चैप्टर है, दिस इज कमिंग फॉर देयर यूनिट टेस्ट. एंड तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने यूट्यूब वाले बच्चों को भी थोड़ा सा ये वाला चैप्टर शुरू करवा देती हूँ, सो दैट एटलीस्ट यूनिट टेस्ट के लिए तुम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए. मतलब ऐसा नहीं होगा कि यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट दिस चैप्टर. ओके, सो यू हैव एस एस टी पीरियोडिक टेस्ट ऑन मंडे. देवायन बोल रहा है हाय. सो देवायन, विच आर द चैप्टर्स दैट आर कमिंग अप? क्योंकि मुझे एज फार एज आई नो, मैं मानती हूँ कि सोशलिज्म वाला चैप्टर सही में टफ है. सो आज मैं थोड़ा बहुत हिटलर के बारे में पढ़ा के आई विल गो बैक टू दैट चैप्टर, सो दैट वो चैप्टर भी हम लोग खत्म कर लें और फॉर योर टेस्ट भी तुम लोग काफी नॉलेज, इनफ नॉलेज हो जाए जिससे तुम लोग अपने पीरियोडिक टेस्ट भी आंसर कर सकते हो. ओके, ठीक है, समझ में आया? तो इसके बाद अगेन आई विल स्टार्ट विथ योर सोशलिज्म वाला चैप्टर और सोशलिज्म में पूरा खत्म करके फिर ही मैं इस पे वापस आऊंगी. अब खुश? सब लोग खुश? किसी को कोई डाउट? ओके, सो अभी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सुमंत. बाल क्यों कटवाए? मन किया, कटवा लिया थोड़ा सा. ये चैप्टर आसान है? अच्छा, तो सिंस ये चैप्टर थोड़ा सा आसान है तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो इट वोंट बी जस्ट द वे एज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे फ्रॉम जब से हिटलर कम्स इनटू सीन. ठीक है, ऑलराइट. सो जो लोग मुझे नहीं जानते हो उनको मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. माय नेम इज सुश्रुता. ठीक है, सो मैं बेसिकली तुम लोगों के सारे क्लासेस लेती हूँ वो प्रेप के ऐप पे, फॉर क्लास 9 एंड फॉर क्लास 10. सो एज वेल एज तुम्हारे गो प्रेप के ऐप में भी आई टेक द क्लासेस. ठीक है, अब खुश सारे लोग? अच्छा, पहले तो एक चीज और मुझे जो बोलना था कि आज की क्लास के एंड में, आज की क्लास के एंड में नहीं, बीच में हम लोग इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस तो मेंटी के भी है. ठीक है, 5 क्वेश्चंस तो मेंटी के भी है आज. तो पहले, सबसे पहले जो काम करना है कि क्या करना है, वीडियो का लिंक शेयर कर देना है विथ योर फ्रेंड्स, है ना. तो सारे लोग पहले अपना ये वाला वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो फटाफट. सबने किया? नहीं, ये वीडियो ऐप पे नहीं जाएगी.
मिनी मेंटी, हाँ ऐप पे फ्री है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं तुम लोगों को पहले कर लिया, सबने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया वीडियो, ठीक है। सो पहले लेट्स डू समथिंग, तुम लोग मेंटी का कोड देख लो, ठीक है। सो मेंटी का कोड देख लो और मेंटी में ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है। मेंटी का कोड क्या है? 958444, ठीक है। सो सब कोई पहले फटाफट ज्वाइन कर लो, मैं बता रही हूं ना अनुभव। कर दिया तो कहा ज्वाइन कहा हो रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ ज्वाइन हो, ज्वाइन हो, ज्वाइन हो। फ्रेंड्स लोगों को बुलाओ और बोलो कि हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो। 9 बच्चों से क्या होगा यार, मतलब क्या है ये, नॉट हैप्पी। मेरा क्लास है 9 बच्चे, नहीं चलेगा। बुलाओ फ्रेंड्स लोगों को बुलाओ, कम ऑन। ओके 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 ओके। अच्छा एक चीज और, सिंस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तुम लोग थोड़ा सा बताओ तो, तुम लोग के क्लास 9 के अभी तक जितने भी चैप्टर्स तुम लोग स्कूल में पढ़े हो, उसमें से सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है? सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है? कमन कमन ज्वाइन कर लो, और बच्चे ज्वाइन कर लो। कोड में एक बार और बता देती हूँ, 958444 958444। सो हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, यू नो हाउ वी गो ऑन विथ मिनी मेंटी, है ना। तो मिनी मेंटी में सब कोई अपने फ्रेंड्स को ये कोड शेयर कर दो और बोलो कोड डाल के menti.com पे बैठ जाए बस, ठीक है। तब तक हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं, क्लियर, ठीक है। उसके पहले एक और जो बताना बनता है, कितने लोग GTSC के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो? अगर GTSC के लिए रजिस्टर नहीं किए हो तब तो रजिस्टर कर लो, क्योंकि एग्जाम्स तो 10th and 11th को है। 10th and 11th मतलब सैटरडे एंड संडे, कल है तो आज लास्ट डे है ना रजिस्ट्रेशन का, तो आज भाई रजिस्टर कर लो, अच्छा है, तुम लोग का नॉलेज टेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, क्यों नहीं, ठीक है। ओके सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ हिटलर, ठीक है। सो हिटलर वॉज बॉर्न ऑन April 20th। सो डिड हिटलर बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली? हिटलर बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली? Yes, did Hitler come from a very rich family? No, he actually came from quite a poor family, and his father basically wanted him to become or enter civil services. ठीक है, और however his mother was very emotional and compassionate and very adoring kind of a woman, and so Adolf Hitler just like any other bacha, so he attended school and he was actually, he had a very sharp mind. Okay, so basically he had a sharp mind, lekin unko wo formal education se zyada pyar nahi tha, matlab he did not want to get educated, wo school mein jaake padhna ye wo unko pasand nahi tha, matlab he had a sharp mind lekin ye sab pasand nahi tha. So, इसके वजह से क्या हुआ कि उनका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड था दैट वॉज नॉट वेरी गुड, है ना। हिज हिटलर्स एजुकेशनल रिकॉर्ड वॉज नॉट वेरी गुड, मतलब दो ही वॉज इंटेलिजेंट ना। सो आफ्टर दैट वॉट हैपन, बाय द वे दिस इज वन ऑफ हिटलर्स पेंटिंग्स, तो था ना उनमें पोटेंशियल तो था। Yes, yes. So when his father died, when he was at the age of 13, when he was just 13 years, so his father died. So his father only wanted him to join the civil services. So when his father died, तो उनके दिमाग से वो वाला प्रेशर हट गया कि अब मुझे सिविल सर्वेंट बनना है,
नो मोर प्रेशर. सो नाउ ही थॉट के भाई अब क्या करें. सो बेसिकली ही वॉन्टेड टू स्टडी आर्ट. ठीक है. सो आर्ट स्कूल गए एंड ही स्टार्टेड रिगार्डिंग हिमसेल्फ टू बी एन आर्टिस्ट एंड डेफिनेटली ही वॉज एन आर्टिस्ट है ना. एंड उनके ऊपर ना ये सारे चीज़ों का बहुत इन्फ्लुएंस था, कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो ओपेरा हो. सो ही वॉज हाईली इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स. ठीक है. यस ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया. ठीक है. ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया. ठीक. ओके. सो अभी आते हैं थोड़ा बहुत तो हम लोग चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लिए हैं. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट मेंटी क्वेश्चन. जाए हम लोग मेंटी क्वेश्चन देख ले. पहला मेंटी क्वेश्चन पढ़ ले. ओके. चलो 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 फिर से एक बार और मैं बता देती हूं क्या है. कोड क्या है. 958444 कोड है. सब कोई ज्वाइन कर लिए हो. एवरीबडी रेडी. सो आई हैव 24 किड्स. 25 बच्चे आए हैं तो और 4 बच्चे आ सकते हैं आई थिंक सो. है ना. और 4 बच्चे आ सकते हैं. यस. चल 28 हो गए. और दो बच्चे और दो बच्चे और दो बच्चे. 28 I have people in this class. People are joining in. All right. Okay. ठीक है चलो शुरू करते हैं. 28 ही हुए हैं. Anyway, nothing to do. First question of mentee in front of you. Who amongst these offered chancellorship to Hitler? Churchill, Goebbels, Helmut, ya Hindenburg? Time hai. Dekh ke, soch ke, samajh ke, answer karo. Everybody has answered. Okay, so you still have time. Answer kar do. Sabko answer pata hai, hai na? Very good, Vaishnavi. Yes, so the correct answer is Hindenburg. So Hindenburg के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आएंगे उस पर. सो लेकिन लीडर बोर्ड थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या हुआ आज कौन कौन है. शक्तिमान भी है आज हम लोगों के साथ. साजिद. ओके. साजिद इज लीडिंग. वेरी गुड वेरी गुड. Hindenburg इज द आंसर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा so everybody was asking me कि he was born in Austria. So where is this Austria? Very good question. So can you all see this image? Can you all see this image? Yes. So this is Austria Hungary and this is Germany. Neighbors है? है ना. अब clear हुआ image. It's a very good question. When you are asking such questions, it is actually very good. क्यों? और इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी history पढ़ रहे हो हमेशा एक map के साथ या atlas के साथ बैठो और फिर पढ़ो तो clear होता है images. ठीक है. Alright. So 1907. अच्छा जैसे मैं आज पढ़ा रही हूँ कोशिश करो हिस्ट्री हमेशा ऐसे ही पढ़ने का दैट इज डेट वाइज या क्रोनोलॉजिकली सजा के.
सो हिटलर नाउ मूव्स टू वियना. 1907 में ही मूव्स टू वियना. अब वियना कहाँ है? वेयर इज वियना? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना. वेयर इज वियना? बताओ बताओ, वेयर इज वियना? जर्मनी में? नो. वियना कहां पे है? नो, जर्मनी इटली? जर्मनी इटली कैसे हो रहा है? इट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. सो इट इज द नेशनल कैपिटल. इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया. सो वी कैन राइट इट एज नेशनल कैपिटल ऑफ वियना, ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है. सो ही वॉन्टेड टू परस्यू आर्ट, सो ही वेंट टू वियना अकेडमी ऑफ आर्ट. लेकिन उनका अकेडमी में रिजेक्शन हो गया. ठीक है. सो बेसिकली ही थॉट के अब तो मैं फेलियर हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ. ठीक है, अब आर्ट कॉलेज में नहीं हुआ तो आर्किटेक्चर में ट्राई करते हैं. लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने तो अपना पढ़ाई खत्म तो किया नहीं था, तो उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं था. इसलिए ना ही उनका एडमिशन वियना अकेडमी ऑफ आर्ट में हुआ, ना ही उनका एडमिशन वियना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हुआ. ओके. सो उसके बाद क्या हुआ, दिस इज टिल 1907. अब 1907 के बाद धीरे धीरे धीरे, सो अब नेचुरली पैसा नहीं है हाथ में. ठीक है. सो समहाउ ही वॉज ट्राइंग टू मैनेज और सर्वाइव इन वियना. सो वहां पे क्या करते थे, पोस्ट कार्ड्स बेचते थे. ठीक है. एंड बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे काम किए एंड ही स्टार्टेड अर्निंग मनी, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब उनके पास काम नहीं था, छोटे मोटे से काम कर रहे थे, सो दिस वॉज द पीरियड जब ही गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. ठीक है. तो धीरे धीरे पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ना, सो बेसिकली उनका दिमाग धीरे से इट स्टार्टेड ओपनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स. सो ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. करेक्ट. आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू ज्वाइन द जर्मन आर्मी. सो बेसिकली नाउ एन आर्टिस्ट माइंड इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड टू द माइंड, टू बिकम द माइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन. है ना. वीनस, सो बेसिकली क्या था, उनके पास जॉब नहीं था. जॉब नहीं था तो छोटे मोटे काम कर रहे थे. जब छोटे मोटे काम कर रहे थे तो इन द मीनवाइल पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड कर लेते थे. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जहां पे इतने सारे लोग गैदर्ड है, दिस इज हिटलर. ठीक है. ऑलराइट. इसके बाद नाउ अब आता है अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. धीरे इन 1913 ही मूव टू म्यूनिक. अब म्यूनिक कहाँ है? वेयर इज म्यूनिक? वेयर इज म्यूनिक? म्यूनिक कहाँ है, कौन से कंट्री में है? वेरी गुड शशांक. सो नाउ फाइनली, सो अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाए कि बीइंग फ्रॉम ऑस्ट्रिया इन विच ईयर डिड हिटलर, अगर हम लोग इसको हिटलर मानते हैं, इन विच ईयर डिड हिटलर मूव टू जर्मनी, द आंसर विल बी 1913. ठीक है. ओके. सो जब तुम लोग नोट्स भी बना रहे हो ना, तो यू पीपल कैन यूज सच इमेजेस. अपने नोट्स कॉपी में भी बना लो ऐसे इमेज, एक स्टिक फिगर बना लो, एरो डालो. तो ही वॉज इन वियना, सो वियना से ही मूव टू म्यूनिक. कौन से ईयर? 1913. ऐसे करके भी नोट्स बना सकते हो, है ना. करेक्ट. सो ऐसा नहीं है कि जब नोट्स बना रहे हो तो मतलब तुमको एकदम बुकिश लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है.
ठीक है, ऑल राइट, जैसे तुम्हारी मर्जी, ओके। अच्छा, इसके बाद नाउ व्हेन ही फाइनली मूव्ड टू जर्मनी, तो जाके उनके लाइफ में मेजर चेंज आने वाला है। क्या मेजर चेंज आने वाला है? तो इस टाइम पे ही मूव टू जर्मनी कौन से ईयर में? 1913 में, है ना, और 1914 से शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो हिटलर ने ज्वाइन किया आर्मी, ठीक है, जर्मन आर्मी को सपोर्ट किया, एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ द 16th बारवेरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। सो उन्होंने लाजवाब काम किया इन द आर्मी इन्फेंट्री में, तो उसके लिए उनको दिया गया द आयरन क्रॉस का एक अवार्ड। कैन यू नोटिस दिस इन हिज यूनिफॉर्म? ये दिख रहा है यूनिफॉर्म में उनका? This is the Iron Cross that was given to him for his services in the army. Yes? So, वो Iron Cross हमेशा अपने uniform में बाद में भी पहनते थे. It is a symbol. है ना? Anika, good to see you again. I remember you were there in yesterday's class also. So, Shashank also. Yes? Hitler was cruel. वो तो था, ठीक है। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी बाय हिटलर? गॉबल्स, हिंडनबर्ग, जलमार स्कैट या एडम स्मिथ? ही इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट। यस, आई नो रोहन, यू वर देयर इन यस्टरडेज क्लास, एंड थैंक यू फॉर दोज लवली कॉमेंट, दैट लवली कॉमेंट अनिका। इट रियली फील्स गुड मैन व्हेन माई स्टूडेंट से कि मुझे अच्छा लगता है मैम आपके साथ क्लास अटेंड करने में। Yes, Venus was also there. So, तुम लोग मेरे साथ regular classes में रहो, मजा आएगा। हम लोग syllabus भी करेंगे, detail में करेंगे, है ना? Sahil was also there. Wow, very good. So, बहुत सारे students. Yes. So, what is the answer? Answer क्या है? हाँ, I know that. I am always with you. Thank you so much. Okay. So, what is the answer? The answer is C. Scott. Right? So, 17 students have answered. Let's look at the leaderboard. Leaderboard pe thoda sa dhyan dete hain. Kya hua? Okay. Sajit is still leading, है ना? Very good. So Rohan, I am a big fan of you, ma'am. Thank you. So ये Sajit, very good. दो questions में you are still holding on to the position. I like it. Very good. So इसके बाद अब now 1918 में क्या होता है? What happens in 1918? Why is 1918 a very important year? Why is 1918 a very important year? क्या हुआ है? Come on, tell me. 1914 में कुछ होता है और वो जाके खत्म होता है 1918. क्या जाके खत्म होता है 1918? करेक्ट, वर्ल्ड वॉर वन एंड्स, कीर्ति, वेरी गुड। सो वर्ल्ड वॉर वन एंड्स, एकदम सही, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर वन एंड होता है तो एक ट्रीटी साइन होता है ना, कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल, राइट, सबको पता है।
तो जब ये ट्रीटी साइन होता है हिटलर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ही हैड सफर्ड टेम्पररी ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो क्योंकि ब्रिटिश ने एक गैस अटैक किया था इन येप्रेस सेलियट, तो गैस अटैक कुछ ऐसे हुआ था जिसके कारण ही वॉज ऑलरेडी सर्विंग द आर्मी एंड सो ही हैड टर्न ब्लाइंड फॉर सम टाइम। सो उसके बाद एक साल के बाद वो फाइनली म्यूनिक वापस आते ठीक ठाक होके, ठीक है। अब ठीक है, अब उनको बेसिकली लगा था ये जो मैंने आर्मी में ज्वाइन किया ना, सो ये आर्मी ही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। ही वॉज वेरी हैप्पी सर्विंग द आर्मी, ठीक है। अब हम लोग एक चीज बोलते हैं, याद है कि हिटलर वॉज अ वंडरफुल ओरेटर, है ना, वो बहुत अच्छा भाषण देते थे। ही कुड इम्प्रेस पीपल विथ हिज स्पीच, कहते हैं ना, जानते हो ना ये सब, ऑल ऑफ यू नो दैट, यस, ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा बोलना सीखा कहां से, फ्रॉम वेयर डिड ही गेट दैट। सो बेसिकली क्या हुआ, आफ्टर आर्मी में सर्व करते करते लेटर ऑन उनको प्रोपोगंडा सेक्शन में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। सो जहां पे वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेते थे, सो बेसिकली उनका काम ही था कि आर्मी के लोगों को स्पीचेस देना, जर्मन नेशनलिज्म के लिए लोगों को अराउज करना, पेट्रियोटिक स्पिरिट लोगों में अराउज करना, सोशलिज्म के खिलाफ लोगों को भड़काना इन अ वे। सो वहीं से उनमें ये ओरेटरी स्किल्स डेवलप होता है ना। सो उनके पास एक्सपीरियंस था हाउ टू मोल्ड द माइंड्स ऑफ द पीपल, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता था। ओके, कुछ दिनों के लिए ही वॉज ऑल्सो अ इन्फॉर्मर, ठीक है। फिर जाके ही ज्वाइंस द जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। सो 1919 में ही ज्वाइंस द जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब ये पार्टी कैसा पार्टी था, इट वॉज एंटी कम्युनिस्ट, मतलब कम्युनिज्म के खिलाफ था, एंटी सेमिटिक मतलब एंटी ज्यूज था। सो लेकिन ही वेंट एंड ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी, यस करेक्ट, मोटिवेट देम, करेक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी मेरे क्लास से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यस। सो सिंस हिस्ट्री इज लाइक अ स्टोरी, मिला ना, है ना, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब क्वेश्चंस मतलब दिमाग में आना चाहिए। एनीवे, तो 1920 में फाइनली वो आर्मी से निकल गए एंड जर्मन वर्कर्स पार्टी में जहां पे वो उन्होंने ज्वाइन किया, सो वहां पे भी उनका काम वॉज बेसिकली ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपोगंडा, है ना। सो यहां पे भी उनका काम था भाई लोगों को समझाना, है ना, प्रोपोगंडा, पब्लिसिटी करना, ठीक है। सो लेटर ऑन ही चेंज द नेम ऑफ द जर्मन वर्कर्स पार्टी टू नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, GWP सेम है, आगे NS लग गया, नेशनल सोशलिस्ट लग गया। दिस इज द सिंबल ऑफ द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, ओके। अब इस पार्टी का मेन मोटिव क्या था, या ये पार्टी किसके खिलाफ था, ओके, नो प्रॉब्लम, बाकी बहुत लोगों को पता नहीं होगा ना, ये भी तो हो सकता है,
सो टेल मी ये किसके खिलाफ था? यस, सो इट वॉज अगेंस्ट दोज पीपल, उनको लगा था कि जो वीमर रिपब्लिक था, जिन्होंने वॉर फाइट किया था, जर्मनी को लीड किया था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनको ट्रीटी ऑफ वर्सेल नहीं साइन करना चाहिए था, है ना? दे शुड नॉट हैव साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल जब साइन गया जर्मनी, सो बेसिकली इट वॉज अग्रीमेंट कि हाँ, जर्मनी इज वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके ऊपर इतना सारा लोड ऑफ पनिशमेंट, इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल. सो हिटलर को लगता था इट वॉज अ ट्रीटी जो जर्मनी के प्रेस, मतलब इमेज को डिसऑनर करता है. ठीक है, ठीक है. सो दैट इज द रीजन दिस NSGWP. सो दे वर कंप्लीटली हैड अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर ऑल द प्रीवियस पॉलिटिशियंस हु साइन द ट्रीटी ऑफ वर्से, है ना? ओके, वेरी गुड. आते हैं अब मेंटी पे. ठीक है, नेक्स्ट मेंटी क्वेश्चन फॉर यू Everyone, third question है ये, है ना? What is the third question? US entered into World War II due to क्या है, क्या होगा आंसर? हाँ हाँ, संचित आ गए. इट वॉज वेरी वेरी हार्श. हाय साहिल, जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर, नॉन पेमेंट ऑफ रेपरेशन ड्यूज बाय जर्मन्स, एरियल बॉम्बिंग ऑन लंडन, एनेक्सेशन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी, क्या होगा आंसर? ओके, ऑलराइट. सो इट वॉज द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर, जब जापान ने पर्ल हार्बर पे बॉम्ब गिराया, सो अमेरिका के पास कोई और चारा नहीं था बट टू ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना? टू ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी. सो क्या हुआ अभी? अच्छा, सजित तो अपने पोजिशन से हट ही नहीं रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड. सजित एंड सोमनाथ एकदम पके हुए हैं यहाँ पे. ओ अच्छा, ठीक है, मैथ्स पॉइंट नोटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले. ओके, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ मेंटी इन फ्रंट ऑफ यू. Fourth question, Hitler took over the German Workers' Party and renamed it as, हम लोग कर चुके हैं ना? What is the answer? We have just done that. We have just done that.
What is the answer? In September 1919, a former amateur artist and army veteran named Adolf Hitler. What is the answer going to be? मैंने लिख के भी बोल रखा था. Very good. National Socialist Party. Very good. So let's see the leaderboard. Sajid को क्या हुआ? Sajid did not answer this time. तो सोमनाथ आ गया ऊपर. Wow, very good. Okay. इसके बाद हम लोग we will just हड़बड़ी में तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग YouTube पे है ना. Now, how many of you know about the beer hall pots? क्या हुआ था इसमें? कहाँ गए तुम लोग? What happened here? So basically, Hitler became the head of your the Nazi party, and he decided कि अब बहुत हुआ. It was an attempt, ठीक है? Yes, it was a protest. It was an attempt to win over the government of Bavaria. ठीक है, बवेरिया क्या है? बवेरिया वॉज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ सदर्न जर्मनी. ठीक है, सो हिटलर एंड 2000 नाजीज, सो दे मार्च टूवर्ड्स म्यूनिक टू द बियर हॉल. तो वहां पे एक मीटिंग चल रहा था, सो ही टुक ओवर दैट मीटिंग. ठीक है, एंड ही स्टार्टेड गिविंग हिज ओन स्पीच. क्लियर? Now, because of his activities, उसके लिए उनको क्या किया गया? उनको जेल में डाल दिया गया. So this is the jail that was where he was kept. So this is called the Landsberg prison. ठीक है? So while staying in this prison, so he stayed in the prison for 9 months. ठीक है? And while he stayed in this prison, he wrote his book called the Mein Kampf. ठीक है? What is the meaning of the word Mein Kampf? Yes, plan failed and he was arrested. है ना? What is the difference between? This is a very good question. Socialism and communism. Who will tell me? किसको idea है कि socialism और communism में main differences क्या क्या है? So basically, often क्या होता है कि socialism और communism, ये जो दो terms है ना, इसको interchangeably बहुत बार use होते हैं. But there is a basic difference. सोशलिज्म का मतलब है कि तुम अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करोगे. ठीक है, और जितना तुमने काम किया उतना ही तुमको वापस मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 घंटा काम किया और मैं अकॉर्डिंगली जो मुझे रिटर्न मिलेगा दैट विल बी एज पर द 9 आवर्स एफर्ट दैट आई हैव पुट इन. दिस इज सोशलिज्म. व्हेन आई टॉक अबाउट कम्युनिज्म मतलब तुम अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करोगे. मेरा एबिलिटी है 9 घंटा काम करना, मैं अपने 9 घंटा के एफर्ट दूंगी और मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू माई नीड. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स है तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर्ड टू इफ आई हैड अ फैमिली ऑफ 2 मेंबर्स. है ना, अगर मेरे पास 5 मेंबर का फैमिली है तो मेरा डिमांड ज्यादा होगा, नीड ज्यादा होगा. सो आई विल गेट माई पेमेंट एज पर माई नीड. सोशलिज्म में यू गेट योर पेमेंट एज पर योर कॉन्ट्रीब्यूशन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. ओके,
वीनस बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड इज कि उन्होंने तो जाके ये बियर हॉल में 2000 नाजी मेंबर्स के साथ जाके एकदम क्योस मचा दिया था, तो उसके लिए क्या हुआ, उनको अरेस्ट किया गया और प्रिजन में डाल दिया गया। ठीक है, जिस प्रिजन में डाल दिया गया उसका नाम था द लैंड्सबर्ग प्रिजन। ये प्रिजन लैंड्सबर्ग वाले जगह में था, इसलिए इसको लैंड्सबर्ग प्रिजन भी कहते हैं। एंड लैंड्सबर्ग प्रिजन में रहते रहते उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, एंड द ऑटोबायोग्राफी नेम इज माई स्ट्रगल या माइन कैम्फ इन जर्मन। ठीक है, सबका डाउट क्लियर है? देवायन तुम्हारा डाउट क्लियर है? ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट मेंटी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट मेंटी क्वेश्चन कमिंग अप इन फ्रंट ऑफ यू। What was the name given to gas chambers by the Nazis? जिस गैस चेंबर्स में जूस को डाल के मारा जाता था, तो उस गैस चेंबर्स को क्या कहते थे? किलिंग मशीन, सोल्यूशन एरियाज, रेवोल्यूशनरी ग्राउंड या डिस इन्फेक्शन एरियाज? ओके, क्या है आंसर बताओ तो जरा। वेरी गुड अनिका, वेरी गुड, गुड, करेक्ट। अच्छा ठीक है, सो लेट्स सी, टाइम्स अप एवरीवन। Everybody has answered disinfection area, and that is the correct answer, but I will not show the leaderboard immediately. Before that I will just tell you ki 1925 mein, after he returns back from prison, Hitler again refines the Nazi party, kyunki jab tak wo nahi the to Nazi party ka existence was almost खत्म। हाउएवर व्हेन ही कम्स बैक, इसको उन्होंने रीएस्टैब्लिश करते हैं, रिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद वाला सेक्शन हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, है ना, दैट ऑल ऑफ यू नो कि थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, सो हम लोग दो सेक्शंस में करेंगे। वी आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ हरी, अच्छे से पढ़ना इज वॉट आर मोटिव शुड बी, है ना, है कि नहीं? और अगर तुम लोग का व्यूज बताओ, इफ यू फील के आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश ऑफ सोशलिज्म वाला चैप्टर एंड देन कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए, व्हाट डू यू पीपल वॉन्ट? है ना, यस, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग। सो उसके पहले भाई, दोज़ हू फाइंड माई क्लासेस टू बी इंटरेस्टिंग, यू पीपल कैन ज्वाइन द क्लास 9 का कंप्लीट बैच एज वेल। उसके लिए भी यू कैन सेंड अ मेल हियर और कॉल अप दिस नंबर। इसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर होगा, एंड डाउट सेशंस भी होता है, टेस्ट्स भी होता है। एंड जिनको डाउट है कि पूरा एक साल का कोर्स ले या नहीं ले, वो लोग पहले ये 5 दिन का कोर्स लेके देख लो। रोहन सर का क्लास है, 99 रुपीज का कोर्स है। 5 दिन में रोहन सर लाइंस एंड एंगल्स पूरा पढ़ाएंगे, डाउट सेशन भी होगा, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसके लिए भी सेम ही है। ठीक है, यहीं पे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, सो अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं आज का स्कोरबोर्ड, फाइनली लीडर बोर्ड, आज कौन जीतता है। ओके, ओके, लेट्स सी हू विंस।
It is Somnath. Very good. So Somnath was there in the second position throughout this competition today. Lekin finally, he wins the Menti today. Very good. Well done. ठीक है. Meet you in the next class. तुम लोग अगर socialism बोलोगे तो ठीक है. मैं पहले socialism पढ़ा दूंगी. Then I'll get back to this chapter. As you wish. जो तुम लोग मांगो. ठीक है. Bye bye everyone. ठीक है जी. Okay, good.